और एक बात मैं और एक मैसेज देना चाहता, ये पुग्गी वाली का जो गाबड़ा है ना भाई मेरे, वो जो पूरे आंग पे बाल है उसके, वो चलो रे डोली उठाओ पिक्चर देखे उसके अंदर मालूम है वो भूत बताई ले भाई लोग डोली होगा लोड़े ना भाई, और नहीं पुग्गी वाली का बेटा है अबे हसवल के मुंह के ये पांड्या चाले बंद कर, मैं तेरे से नाराज क्यों है, तूने महमूद को अब्बा बोला क्यों बता? अरे बड़े बड़े ऐसे ढीले चड्ढा पहनता तू शक्ति कपूर के जैसे, अन पांड्या चाली करते फिरता घर में, अरे जरा मर्द बन रहे, मेरे वीडियो देख के जरा चार्ज हो, ये पुण्यकर कैसा ठोके देने वाला वैसा बन। अरे बाप एक ही चेहरे, जिसने तेरे को पैदा करा वो तेरा बाप है, हाँ तेरे को तो 2 रुपए के गोले एक पार्ले जी का बिस्कुट दिए तो तू बोलेगा मम्मी मैं इसको भी बोलू अब्बा, अरे क्या यार 12 को 5 कमे तू अरे भाई अपनी स्टाइल देख, और ये तुम्हारे बच्चे लोग कोई बोल रहा भाई लोग या जब पांडे लोग के वीडियो मत दिखाओ, बाप अपना एक ही छे एक ही बाप है, हाँ माँ अपन सबको बोल सकते लेकिन बाप एक ही छे भाई। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब, अल्लाह की रहमत से आप लोग ठीक होंगे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने रेहान भाई का क्लिप ये देखा, रेहान को निकल की बात कर रही हूँ, ये क्लिप देख लिया आप लोगों ने रेहान भाई का? हाँ जी, तो रेहान भाई तो इन पे हैं बहुत गुस्सा और वो हर वक्त रहते हैं, पर क्यों रहते हैं भाई? पहले भी देखो लोग आते हैं इन पर गुस्सा करते हैं, क्यों करते हैं आखिर? क्या किया है, क्या किया है इन्होंने, इन लोगों की फैमिली के साथ क्या किया, इन लोग के साथ ऐसा क्या किया जो लोग इनको ना पसंद करते हैं और इन पर गुस्सा रहते हैं? खैर वो उनकी आपस की मसले हैं, हल हो ही जाएंगे इंशाल्लाह। और आपस में ये लोग का झगड़ा क्यों रहता है वो भी पता तो लग ही जाना है। अच्छा जी, तो बात करते हैं जी ये चाची की। देखें जी, एक तरफ ये मुस्लिम होकर और क्या किया इन्होंने, ये बड़े बड़े नेल्स बनाकर आई हैं अपने, देखा कॉलर में कितने बड़े बड़े नेल्स बनाए ना इन्होंने, और इसमें बोलती हैं कि मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, मैं ये भी करती हूँ, मैं वो भी करती हूँ, और एक तरफ अल्लाह अल्लाह और एक तरफ जो है ना ये काम, वो बोलते हैं ना एक कहावत है, हिंदी की कहावत है ये कि मुँह पे राम राम और बगल में छुरी, तो ये वही करती हैं। तो जी आप लोग ही फैसला करें, फिर क्योंकि आते हैं कमेंट करने वाले हमारे बहन भाई, बोलूँगी मैं तो उनको अपना, कुछ हिंदू मज़हब से आते हैं तो कुछ मुस्लिम मज़हब से आते हैं, पर आते हैं और बैड कमेंट करके जाते हैं। तो आप लोग बैड कमेंट तो कर देते हैं, तो जाकर ज़रा देखिए तो आपकी अम्मी जी, आपकी चाची जी, आपकी फुफ्फो, खाला, बाजी, आपा, जो भी, तो वो कर क्या रही है वीडियोस में, वो मैसेज क्या दे रही है? जैसे कि मैंने कल अपनी वीडियो डाली थी मरियम शेख वाली, तो मैंने उसमें बताया था कि मरियम शेख ने अपनी सब्सक्राइबर को कितना अच्छा एक मशवरा दिया उन्होंने कि आप कपड़ों पे पैसा इन्वेस्ट करके ज़ाया ना करो, उससे बेहतर है कि आप गोल्ड खरीदो ताकि बैड टाइम पर आपके काम आए। तो जो बड़े यूट्यूबर होते हैं वो हमारे टीचर ही होते हैं कि हमें कुछ सीखने को कुछ मिलता है उनसे, इनसे सीखने को क्या मिलेगा? मेरे जो मुस्लिम बहन भाई हैं तो वो क्या सीखेंगे कि भाई ये बड़े बड़े नाखून लगवाओ और फिर हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, फिर हम रोज़ा भी रख रहे हैं। जैसे कि सभी को पता है कि रमज़ान की जब चांद रात हुई थी तो उसमें तो ये रेखा बनकर आ गई थी, देखा ही था ना सबने, उसमें कैसी ये रेखा बनी थी, रेखा वाली अदाकारी अपनी दिखा रही थी, ये इठला इठला के बहुत अदाकारियां हमें दिखाई इन्होंने। उसके बाद फिर ये सर से दुपट्टा नहीं हटेगा, ये सर से दुपट्टा नहीं हटेगा, पूरे रमज़ान इन्होंने यही बोला। और फिर रमज़ान के बाद इन्होंने शुरू कर दिया कि भाई मैं इस तरह नहीं रह सकती, मुझे बाहर जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, यानी कि डबल फेस, यानी कि डबल फेस कर रही है ना ये, इधर कुछ उधर कुछ उधर कुछ। वैसे तो सभी को पता है ये ऑफ कैमरा इनकी क्या लैंग्वेज है, 10 बार अपने मुँह से भी बता चुकी हैं। खैर वो भी आपकी ही बात है, आपका ही मसला है, आपका ही मैटर है वो। लेकिन ये बात ज़रा आप मुझे समझा दें, क्या जो मैं अपने मुस्लिम बहन भाइयों से ये पूछना चाहूँगी
कि ये जो इतने बड़े बड़े ये नाखून लगाकर आई हैं, तो क्या ये जायज़ है इस्लाम में? क्या इससे नमाज हो जाती है? जहाँ तक मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुसलमान हूँ, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैं कोई आलिमा कोई बहुत बड़ी मुल्लानी नहीं हूँ, पर जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक अपने बड़ों से सीखा, जहाँ तक अपने उस्तादों से सीखा, तो वहाँ हमने यही सीखा कि बड़े नेल्स होना या वो नेल पॉलिश लगाना, उससे नमाज नहीं होती, उससे वजू नहीं होता। हमने अपने बड़ों से और अपने उस्तादों से यही सीखा है। तो आप लोग ही बताइएगा मुझे कमेंट में। और लास्ट में मैं रेहान भाई की, रेहान फोनेकर की एक और क्लिप डालूंगी, ज़रा वो भी देखिएगा। और जी अब मैं बात करती हूँ जी, रेहान भाई ने एक बात बोली कि भाई बेटे की शादी करा दो। छोटे बेटे की बात कर रही हूँ, अम्मी की, बड़ा तो ऑलरेडी माशाल्लाह मैरिड है वो तो, लेकिन बस आती नहीं है वो, लाती नहीं है बहू को, तो भाई शादी करवा दें चाची जी, बेटे की शादी की उम्र हो गई। इनके कमेंट आ रहे थे, मैं देख रही थी इनके कमेंट में लोग इनको क्या एडवाइस दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो लोगों का भी कहना यही था कि कुछ चमक छल्लो बनना बंद करो और अपने बेटे की शादी कराओ, पोता पोती खिलाने की उम्र है तो पोता पोती गोद में खिलाओ, आप ये क्या चमक छल्लो बनी हुई फिर रही हो। तो बड़ी अच्छी एडवाइस लगी मुझे। तो खैर मैं भी यही बोलूँगी कि भाई शादी करवा दें, बच्चे की उम्र माशाल्लाह अभी कितना 21 साल 22 साल का आप बोलती है कि वो हो गया है, तो शादी वादी करवाएं बच्चे की, पोता पोती अपनी गोद में खिलाएं आप। और दूसरी बात, एक और बात ये बोलूँगी कि देखिए आपके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बन रही हैं, बहुत सारे लोग आपको धमकियाँ भी दे रहे हैं, आपने देखा ही है वीडियो में। हमारे जो मेहुल मेहदा भाई हैं वो इनको खुले आम धमकी दे रहे हैं कि मैं अपने धर्म के लिए, अपने मज़हब के लिए मैं लड़ाई कर रहा हूँ, मैं जंग करूँगा, भले इसमें मुझे मौत ही क्यों ना आ जाए। तो चाची जी क्यों किसी की जान पर आप लेके आ रही हैं? सर सिर्फ और सिर्फ आपकी एक माफ़ी ये सारा मामला क्लोज कर देगी, और माफ़ी मांगने से आपकी इज्जत नहीं जाएगी। मैं अपनी कई वीडियो में यही बात बोलती हूँ कि आपके माफ़ी मांगने से आपकी इज्जत नहीं जाएगी, आपकी इज्जत पब्लिक की निगाह में और बढ़ जाएगी। आपके जो जितने भी अच्छे वाले गुड फ्रेंड हैं, हम भी आपके गुड फ्रेंड हैं, हम आपके कोई दुश्मन नहीं है, कोई आपने हमारी जायदादों पर कब्जा नहीं किया हुआ, बट आप जो गलत करती हैं तो वो एक चुभता है, आपकी जो हरकतें हैं ना वो एक चुभती हैं, तो इस वजह से वीडियो बनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो आप भी यही करें कि आपके जो अच्छे फ्रेंड लोग हैं, आपके अच्छे वाले सब्सक्राइबर, तो प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग भी बोलिए इनको कि एक माफ़ी का वीडियो डाल देंगी तो वो ये कि सब खामोश हो जाएंगे और सारे मामले हल हो जाएंगे, वरना हर कोई अब जो है वो यही वीडियोस बना रहा है। तो प्लीज़ आपने जो उनके मज़हब के लिए, उनके धर्म के लिए, उनके भगवानों के लिए जो भी आपने बोला, गणपति पप्पा को बोला आपने, आपने उनके अर्जुन भगवान को बोला आपने, आपने उनकी एक और उनका नाम लिया था, मैं उनका नाम भूल गई सॉरी, उनके लिए भी आपने कुछ अनाप शनाप बोला, तो आप माफ़ी मांग लें। देखें गलतियाँ इंसानों से होती हैं, इंसान खता का पुतला है, गलती से हो सकता है निकल गया आपके मुंह से, पर यह है कि आप माफ़ी मांग लेंगे तो मैटर क्लोज हो जाएगा, वरना वो आपको खुले आम धमकियाँ दे रहे हैं। तो ऐसे अच्छी बात नहीं कि गलत मैसेज जो है वो लोगों तक जा रहा है। तो आज की वीडियो मेरी यही थी, तो वीडियो कैसी लगी आपको तो ज़रूर बताइएगा, और जो न्यू फ्रेंड आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और अपने जैसा प्यारा सा कमेंट करके तो लास्ट में जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अरे क्या बोलती पब्लिक, क्या तमाशा कर रही ना उन्हें वापस। मैंने बोला था कि जरा मैं जरा डिस्काउंट दूंगा उसको 50%, लेकिन उसकी वीडियो देखा ना भाई, मेरा पारा सरक जाता भाई। आज सुबह को जिम्बल तोड़ा लगता उसने उसके वो हसवल के बच्चे ने, और उसकी माँ बोल रही, और माँ को बोल रहा आज मेरी मम्मी लग रही है पंजाबी। अरे पांड्या इसकी शादी करो जी, इसकी शादी करो भाई लोग, इसको अगर लड़की नहीं मिली तो इसको एक आधे लड़के के साथ में तो भी इसका रिश्ता पक्का करो, पर इसकी शादी करो हसवल के मुंह का, खाली माँ के आसपास में खाली कुत्ता नहीं क्या इधर उधर रास्ते में पड़ेला रहता वाकड़ा चिकड़ा, खाली इधर उधर पड़ते रहता, इसकी शादी करो पांड्या की, जिधर ने मम्मी 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 चालू रहता उसका। ये दालचे का भगोना है ना भाई मेरे, ये ब्याज बट्टी के धंधे इसकी।
और जो इसका हसवल के जैसा कापड़ा है वो इतना बड़ा जवारी के पोते के जैसा। ये सब लोगों को ब्याज व्याज के पूरे पैसे वैसे सब इकट्ठा उकट्ठा करता है, ये सब इन लोगों के काम है ये। और ये सब करके इसके नखरे देखो, अगरबत्तियां लोबन ये हाँ पूरा धुआं धुआं करती और घर जला के लेती। अन बोलती मैं ये कर रही थी, अन वो कर रही थी, जाप आने तो क्या है पोगे वाली।